खबर सुल्तानपुर से है, जहां अपने संसदीय क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची सांसद मेनका संजय गांधी ने आज देर शाम चंदीपुरी, इटावा, मुलनापुर, भगवानपुर एवं अकोड़ी गांव में आयोजित कार्यक्रम में अमृत कलश लेकर घर घर मिट्टी व अक्षत एकत्र कर विशाल जनसभा को संबोधित किया। बताते चले कि जनसभा को संबोधित करते हुए श्रीमती मेनका संजय गांधी ने कहा कि हमें अपनी मिट्टी का सम्मान करना चाहिए, हमको अपनी समृद्धि विरासत पर गर्व करना होगा, देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करना होगा। उन्होंने ग्रामीण जनता को जागरूक करते हुए कहा कि देश की मिट्टी ही हमारी भारत माता है, उनकी इच्छा के विरुद्ध हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके उन्हें दूषित करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि मिट्टी मेरी देवी की तरह है, हमको आशीर्वाद देती है और हमारी रक्षा करती है। देश की मिट्टी का पूजा करें, पूजा करने का मतलब पेड़ लगाएं, उसमें केमिकल का प्रयोग ना करें, प्रदूषित ना करें। तो वही उन्होंने कहा कि देश के सभी गांव की मिट्टी को अमृत कलश में ले जाकर नई दिल्ली में शहीदों की याद में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक देशवासियों के लिए गर्व का विषय होगा कि जब भी दिल्ली जाएगा तो यह कह सकेगा कि उसके गाँव पर घर मिट्टी का प्रयोग स्मृति वाटिका में किया गया। उन्होंने अपनी इस ताकत व सुदृढ़ता से देश को मजबूत किया है। आज कार्यक्रम में परियोजना निदेशक के पांडे, सांसद प्रतिनिधि रणजीत कुमार, संदीप प्रताप सिंह, ब्रजभूषण मिश्रा, संदीप पांडे, त्रिनेत्र पांडे, कुल्लू पांडे, कृष्णदेव मिश्रा आदि मौजूद रहे। देखिए सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। हम भगवानों को पूछते हैं, लक्ष्मी को पूछते हैं, लेकिन ये जो धरती माँ है हमारी, जो मिट्टी से बनी है, उससे बड़ी देवी क्या हो सकती है? बात सही है कि नहीं? लेकिन हम इस मिट्टी को, इस देवी को का निरादर करते हैं, उस पर हम केमिकल डालते हैं, जैविक खाद के बजाय हम लोग इस पर थूकते हैं, हम लोग शादी करते हैं तो उसके ऊपर गंदगी, सारे गंदे प्लेट फेंकते हैं, बात सही है कि नहीं? हम लोग हर तरीके से उसको गंदा और प्रदूषित करते हैं और फिर हम कहते हैं भारत माँ की जय। लेकिन भारत माँ तो मिट्टी ही तो है, और अगर हम मिट्टी को नहीं पूजेंगे